Hello, hi everyone. Welcome back to my blog. How are you all? Hope you all are doing great. तो आज मैं अपने प्रेगनेंसी जर्नी का एक स्कैन करवाने जा रही हूँ. तो आज स्कैन डे और आज मोस्टली फिफ्थ मंथ लेवल 2 स्कैन होने वाला है. तो हम दोनों ही अभी जा रहे हैं और हो सकता है तो देखते हैं व्हाट ऑल वी डू देयर, बिकॉज आज हम लोग बेड बुकिंग का भी सोच रखे हैं. तो देखते हैं आज करते हैं या कभी और करते हैं. गाइस अभी हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं. स्कैन हो चुका है, हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में होता है. हेलो गाइस, तो मैं वापस स्कैन करवा के आ गई हूँ. तो आज काफ़ी टाइम हमें लग गया, लाइक 4 बजे हम लोग गए थे और आते आते हमें 7:30 अराउंड हो गया, क्योंकि आज हम लोगों ने सोचा था कि जाके आज हॉस्पिटल बुकिंग, बेड बुकिंग का काम ये सब करके ही आना है, तो इसके वजह से ज़्यादा टाइम लग गया. तो आज जो स्कैन हुआ वो अराउंड लाइक 30-35 मिनट्स लगा मैक्स. सो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे लगा था कि काफ़ी टाइम लगेगा, बट हाँ हाफ एन आवर मैक्स में हो गया. तो ये जो मैंने स्कैन कराया वो था एनामली स्कैन, जो कि हमारा 18-22 वीक के बीच में होता है और ये लेवल 2 स्कैन होता है. गाइस आज के स्कैन के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और थोड़ी नर्वस भी थी, क्योंकि आज आफ्टर 1 मंथ मैं अपने बेबी को देखने वाली थी. तो काफ़ी ज़्यादा मैंने लाइक आफ्टर एंटी स्कैन काफ़ी लाइक 1 मंथ के बाद ही मैं बेबी को देखने वाली थी, तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड. तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बेबी को देख के, और लाइक आज तो बेबी कम हिल रहा था इनिशियली, लाइक ड्यूरिंग द एंटी स्कैन लाइक बेबी वॉज प्लेइंग, एंड टूडे लाइक बेबी वॉज वेरी वेरी काम. उसने आज परेशान भी नहीं किया, डॉक्टर ने पूरा स्कैन आराम से किया, फेस तक उसने लाइक आराम से दिखा दिया. तो इट वॉज वेरी नाइस फीलिंग फॉर मी एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी टू सी माई बेबी टूडे. गाइस हमारा स्कैन तो किसी तरह हो गया, बट रिपोर्ट आने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि आज वीकेंड था और तो काफ़ी ज़्यादा रश था, इवनिंग टाइम था, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया. आई थिंक स्कैन करने से ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा अराउंड 1 आवर, तो उसमें टाइम काफ़ी लग गया. उसके बाद हमारा बेड बुकिंग ये सब का भी था कि आज जा रहे हैं तो बुक करके ही आएंगे, क्योंकि कल हम लोग विजिट किए थे ऑलरेडी हॉस्पिटल को टू इंक्वायर अबाउट ऑल द पैकेजेस एंड एवरीथिंग अबाउट द बेड बुकिंग. तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया. तो बेड बुकिंग लाइक उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, किस टाइप का आपको रूम चाहिए, उनके पास रूम्स के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, डीलक्स, लग्जरी, स्वीट्स, तो प्राइसेस अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन होता है. तो वही मेरे हस्बैंड ने काफ़ी डिस्कस किया कल विजिट करने के बाद. तो आज हमने डिसाइड किया था कि आज तो बुक कर दे रहे हैं. फिर उसमें काफ़ी टाइम लगा, तो नॉट मच टाइम बट हाँ लगा टाइम. तो जितना भी टाइम लगा आज फाइनली बेड बुकिंग हो गया. तो अगर आपको भी जानना होगा कि क्या पैकेजेस है, क्या कॉस्ट आ रहा है, या फिर एनीथिंग अबाउट द हॉस्पिटल और द पैकेजेस, देन डू कमेंट डाउन बिलो. मैं उस पर वीडियो एक बना के डालूंगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे. एंड अब आते हैं रिपोर्ट पे. तो रिपोर्ट आज कैसा आया? तो ये तो लेवल 2 स्कैन था, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्कैन, तो ये तो करवाना ही होता है. दिस इज़ मैंडेटरी स्कैन, एवरीबडी शुड डू इट. इसमें आपके जितने भी बेबी के ऑर्गन्स है, एवरीथिंग दे स्कैन इट एंड चेक इट, लाइक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ फाइन. एंड तो अब आते हैं हम मेरी रिपोर्ट के बारे में. तो आज जो भी रिपोर्ट आया है सब कुछ नॉर्मल है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली एवरीथिंग इज़ फाइन एंड नाउ आई शुड जस्ट फोकस ऑन फूड, एवरीथिंग, हेल्थ, एक्सरसाइज. देन डॉक्टर ने ऑल्सो सजेस्ट किया कि आप गर्भ संस्कार स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दो,
ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. तो ये सब काफ़ी सारे सजेशंस डॉक्टर ने आज दिए. तो आज मेरा एक और चीज़ भी हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये टीटी का टेटनेस भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तो उन्होंने लगाया मुझे. तो आई थिंक कि दो टेटनेस का होता है, टीटी एंड वन मोर आई थिंक आफ्टर 1 month शी विल गिव. तो वो टी डैप आई थिंक दैट इज द नेम ऑफ द टेटनेस. सो वो भी एक लगेगा. तो आज एक टेटनेस का इंजेक्शन भी लग गया. नेक्स्ट टाइम लेट्स सी, आई अपडेट यू गाइस. तो आज का पूरा यही है अपडेट. तो लेट्स सी व्हाट ऑल हैपेंस एंड लेट मी इंजॉय दिस जर्नी. सो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी और एनी थिंग, देन डू कमेंट डाउन बिलो. आई जस्ट ट्राई टू आंसर दोज. एंड या स्टे ट्यून टू कीप अपडेटेड अबाउट माई जर्नी. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन, बाय बाय.